हेलो सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में हम जो एक मतलब स्केच बना रहे हैं वो अप्सरा पेंसिल्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये पैक आप देख पा रहे होंगे गाइस 40 रुपीज़ का। एंड चलो इसके अनबॉक्स कर लेते। तो गाइस अनबॉक्स करते ही आपको देखने को मिलता है एक इरेजर अप्सरा का और गाइस दो पेंसिल्स, जो कि मतलब शेडिंग पेंसिल आप देख सकते हो। 40 रुपीज़ का पैक है ये। एंड गाइस इसमें मतलब आपको जो 8B पेंसिल एंड 10B पेंसिल देखने को मिलती है, जो कि गाइस काफ़ी डार्क है। तो गाइस इनका ग्राफाइट पाउडर हम यूज़ करके जो है स्केच को कंप्लीट करने वाला है। और गाइस आउटलाइन काफ़ी सिंपल सी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और गाइज मैं अभी मजाक कर रहा था, गाइज मैंने बाकी के पेंसिल जो मतलब थे, जो गाइज HB से लेके मतलब 10B तक इस पैक में आते हैं, जो कि गाइज अभी आप देख सकते हो। तो गाइज भाई ये मैंने पहले ही निकाल दिए थे। एंड गाइज मतलब ये 40 रुपीज़ का पैक ही है, जो कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो गाइज अगर आप मतलब लेना चाहोगे इनके तो ले सकते हो। बाकी आप आर्ट लाइन में मतलब कहना चाहोगे आर्ट लाइन लो, क्योंकि इसमें मतलब काफ़ी मतलब गाइज मैं अभी अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए इसे लिया था। तो गाइज इसमें जो मतलब इसकी लीड रहती है वो काफ़ी बार ऐसे मतलब क्रैक हो जाती है, मतलब बिन ऐसे मतलब ज़्यादा आप अगर उसे शार्प करोगे तो गाइज वो काफ़ी जल्दी मतलब क्रैक हो जाती है। मतलब गाइज ये पेंसिल मुझे इतने मतलब यूज़फुल नहीं लगे, पर गाइज बिगिनर हो तो ये पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी चीप पेंसिल्स है, जो कि आर्ट लाइन का मतलब आप इसमें 50-40 रुपीज़ ऐड कर लो, आर्ट लाइन का पैक आप ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप कौन सा पैक लेना पसंद करो वो कमेंट उसमें मुझे जरूर से बता देना। तो गाइज काफ़ी दिन हो गए तो मैंने मतलब अभी कोई स्केच नहीं बनाया, तो गाइज इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें अभी जो एक स्केच भी बना लेते हैं। और वैसे भी गाइज मैं थोड़ा बहुत ऐसे प्रैक्टिस कर ही रहा था। एंड गाइज अभी मुझे ये रेफरेंस मिला था, तो गाइज मैंने सोचा इसे ही अब मतलब बना लेते हैं। तो गाइज ये मतलब वियर्ड भी आप कह सकते हो, वियर्ड ऐसा मतलब रेफरेंस है। बाकी आप इस रेफरेंस पर क्या कहना चाहोगे, रेफरेंस का लिंक तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। एंड गाइज कहाँ से लेना वो अभी अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और गाइज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं हुआ तो जोर से कर देना। एंड गाइस ब्लेंडिंग के लिए तो मैं कॉटन यूज़ कर रहा हूँ, पर गाइस अभी इरेजर पेन जो मतलब अप्सरा का है, जो कि 30 रुपीज़ का, जो कि अभी आप देख सकते हो। तो गाइस इसका यूज़ करके मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स देने वाला हूँ। पर गाइस इसकी जो लीड है वो मतलब आप देख सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा मैं डिटेल्स तो नहीं इससे दे पाऊँगा। एंड गाइस आप चेक भी कर सकते हो, मतलब ये 30 रुपीज़ का तो है पर मतलब काफ़ी चीप है। तो गाइस ये मतलब बिगिनर के लिए टूल्स भी आप मतलब कह सकते हो कि ये मैं मतलब यूज़ करता हूँ। एंड बाकी तो गाइस अभी आप देख सकते हो इसमें मतलब गाइस अगर आपके पास चारकोल नहीं तो गाइस ग्राफाइट पाउडर का अच्छा मतलब करने के लिए आपके पास मतलब जो गाइस ये अप्सरा की पेंसिल है, तो गाइस इसका ही मैं मतलब ग्राफाइट पाउडर इधर यूज़ करता हूँ, जो गाइस अभी आप देख ही पा रहे हो मैं काफ़ी ज़्यादा डार्क भी से कर सकता हूँ। तो गाइस ये मतलब चारकोल जैसा तो नहीं है, पर गाइस चारकोल जैसा थोड़ा बहुत तो वर्क कर ही लेता है। गाइस जो मतलब इसमें जो डिटेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड गाइस डार्कनेस भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, जो स्केच आप देख पा रहे हो। इस वीडियो के एंड में तो आपको देखने को मिलने वाला है जो मतलब कैसा दिख रहा है वो, तो आप मतलब वीडियो के एंड में मतलब वीडियो के एंड तक जोर से देखना।
और गाइस अभी मतलब ये जो वर्क अभी आप देख पा रहे होंगे, तो गाइस ये मेरा फर्स्ट डे का वर्क है, क्योंकि फर्स्ट डे भी मतलब मैंने फर्स्ट डे भी नहीं सेकंड डे कह सकते, क्योंकि फर्स्ट डे तो मैंने आउटलाइन मतलब इसकी बनाई थी, एंड नेक्स्ट डे मैंने उस आउटलाइन को थोड़ा बहुत मतलब देखने बाद जो है शेडिंग फिर स्टार्ट की थी, जो कि अभी ये अब देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट डे का वर्क है। तो चलो गाइस अभी नेक्स्ट डे जो कि सेकंड थर्ड डे का हम जो है अभी शेडिंग स्टार्ट करते हैं, और गाइस मैं मैक्सिममली 3 या 4 डेज में एक स्केच मतलब कंप्लीट कर देता हूँ, पर गाइस उसमें भी इतना ज़्यादा हाइपर रियलिज्म नहीं दिखता है, जो गाइस अभी तो आपको इसका ये जो स्केच आप करूँगी आप कितना हाइपर रियलिज्म हो वो तो गाइस अभी आपको देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अभी भी आप वीडियो को देखते रहो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो जरूर से कर देना। सो गाइस मैंने ट्राई किया था मतलब पेपर इल्यूजन बनाने का, तो गाइस मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था स्केच की, पर गाइस मैंने मतलब पेपर इल्यूजन बनाने की ट्राई कर रहा था जो कि बिल्कुल भी नहीं बना, पर और गाइस ये कोई हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग का ट्यूटोरियल भी नहीं था, एंड मतलब आपको तो वो पता ही, पर गाइस मतलब ये कोई प्रैक्टिस तो हुई, पर गाइस मतलब पेपर इल्यूजन बिल्कुल भी नहीं बना, जो कि अगर मतलब अभी आपको स्केच कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम अब मतलब फ्री हैंड ड्राइंग करें या फिर कुछ हाइपर रियलिज्म और कुछ ट्राई करें वो भी गाइस मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए, और गाइस अगर आपके पास कोई चैलेंज होगा तो मुझे भी वो भी कमेंट में जरूर बता देना। तो गाइस चलो अभी तो आप देख सकते हो मतलब मैंने अभी भी मतलब काफ़ी ट्राई किया एंड हाइलाइट्स दिए, पर गाइस फिर भी मतलब ये पेपर एग्जाम बिल्कुल भी नहीं बन पाया, मतलब एक फेलियर भी कह सकते हो, पर गाइस ये मेरी प्रैक्टिस थी। एंड गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में शायद हम और कुछ ऐसा हाइपर रियलिस्टिक ट्राई करें, तो गाइस उसका भी मैं अभी आपको बता नहीं सकता, पर गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी करेंगे वो कुछ अलग ही करेंगे, मतलब ऐसा पेंटिंग भी कर सकते हैं वो अभी मतलब आपको बता नहीं सकता, पर गाइस आपके पास कोई चैलेंज होगा तो जोर से बता देना। तो गाइस मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।